हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेटवर्क वर्क स्पेस। नेटवर्क वर्क स्पेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी चेकपॉइंट सीरीज चल रही थी जिसमें 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और उस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। छठा वीडियो, सातवां वीडियो, जो भी जिसके जितने भी यानी क्या रिमेनिंग वीडियोज होंगे वो मैं जल्द अपलोड कर दूँगा और चेकपॉइंट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसी बीच मैंने एक नया नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लाया हूँ जो एडवांस लेवल का एंटरप्राइज लेवल का प्रोजेक्ट है और वो एक कैंपस जैसे यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है। वो उस यूनिवर्सिटी में एडवांस लेवल की नेटवर्किंग, एडवांस लेवल की सिक्योरिटी लगाएंगे। मैंने अपना एक पिछला प्रोजेक्ट भी बनाया था यूनिवर्सिटी पर, तो उसमें एक बेसिक लेवल की जो नेटवर्किंग होती है, एक बेसिक लेवल की कैंपस नेटवर्किंग होती है वो की। जो एडवांस लेवल की जो नेटवर्किंग होगी उसमें फायरवॉल भी होगा, DMZ जोन भी बनेगा, इसमें सभी कुछ होगा, है हाई अवेलेबिलिटी भी होगी कि एक जैसे ही नेटवर्क डाउन होगा तो दूसरा नेटवर्क ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा ताकि कभी सर्विसेज ना रुकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं आगे। हमने ड्राफ्ट बना लिया है, जैसे मैंने एक ड्राफ्ट बना लिया है, जैसे कि ये है एडवांस नेटवर्क प्रोजेक्ट का एक ड्राफ्ट है, कैंपस का ही है, तो ये सब कुछ मेरे ही होंगे तो मैं इंटरव्यू कर देता हूँ, ठीक है ये ओके। तो मैंने एक हिंदी का भी रखा है, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों जहाँ जहाँ समझने की जरूरत होती है वहाँ मैंने हिंदी में भी इन्हें क्या गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू मैंने हिंदी में भी कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आप समझ जाओगे जो भी होगा ओके। तो मैं अब एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, जल्दी से पढ़ लेते हैं फिर प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। एडवांस एंटरप्राइज नेटवर्किंग प्रोजेक्ट एट द हार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द मेन कैंपस विच हाउसेस ए सर्वर फार्म ऑफन कॉल्ड द मिलिटराइज जोन। विद इन दिस फोर्टिफाइड जोन एसेंशियल सर्वर आर दी स्ट्रेटेजिकली housed such as DHCP, DNS, FTP, web, email and SMTP. okay, ये common word होते हैं, DHCP है, DNS है, ये अलग word, ये word common है, सभी जानते हैं। और engineering में कोई engineering कर रहा है तो सबसे पहले engineering में अगर कोई computer network का एक subject भी होता है और जो CS branch वाले हैं तो उनमें तो होता ही है, तो उनको सब कुछ पता होता है, DHCP है और डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, DNS है, डोमेन नेम सिस्टम, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब है, ईमेल है, SMTP है, तो एक प्रोटोकॉल्स हैं, तो आप इनको पढ़ लेना। और मैं इनके एक एक जैसे DHCP, DNS, FTP, वेब, इन सब के सेपरेटली 5-5 मिनट के जो वीडियो होते हैं ना उनमें मैं इनको एक्सप्लेन करके वो 5-5 मिनट की वीडियो अपलोड करूँगा। तो फिलहाल तो हमने इस प्रोजेक्ट को, ये बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें सब कुछ आगा होगा, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्सेज ब्रांच कैंपस यूजर्स आर इक्विप्ड विद द एबिलिटी टू सिक्योरली कनेक्ट एंड यूज दिस सेंट्रलाइज सर्वर्स। दिस प्रोटेक्टेड कनेक्टिविटी एंश्योर दैट एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल and communication resources are available for all users regardless of their physical location. okay, so, आप सब लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा। और हिंदी में पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का ये ड्राफ्ट है जिससे हमें पता लग जाएगा कि यानी क्या एक्चुअल में प्रोजेक्ट में हमें क्या क्या करना होता है ना। तो जैसे कि ये तकनीकी बुनियादी ढांचे के गूगल अपना टिपिकल हिंदी करता है ना, केंद्र एक जैसे बुनियादी ढांचे, केंद्र में मुख्य परिसर है जिसमें एक सर्वर फॉर्म है, ठीक है, जिसे अक्सर डीमिलिटराइज जोन कहा जाता है। इस ग्रिड क्षेत्र के भीतर आवश्यक सर्वर रणनीतिक रूप से रखे गए हैं, जैसे DHCP है, जैसे कि ये इस जो मेन मुख्य परिसर है ना, जो मेन कैंपस के अंदर वहाँ पर एक सर्वर रूम है, वहाँ पर उसको डीमिलिटराइज जोन बनाया गया है और उसके अंदर एक आवश्यक रूप से मतलब नेसेसरी टाइप से DHCP सर्वर रखा गया है, DHCP, DNS, FTP, वेब, ईमेल,
एसएमटीपी जैसा रे सर्वर मापो रखे गए हैं। संसाधनों तक सुरक्षित पहुंच के महत्व को पहचानते हुए शाखा परिसर के उपयोगकर्ता इन केंद्रीकृत सर्वरों को सुरक्षित रूप से कनेक्ट करने और उपयोग करने की क्षमता से लैस है। ठीक है, ये सभी लैस है। सर्विसेज कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है कि शैक्षिक सूचनात्मक और संचार संसाधन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका भौतिक स्थान कुछ भी है। ओके, हम मेन चीज आ जाते हैं कॉम्पोनेंट देखिए, जैसे कि एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर द फ्लोइंग कॉम्पोनेंट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए, जैसे कि आई एस पी द यूनिवर्सिटी हैज स्टेबलाइज सब्सक्रिप्शन विद एयरटेल टू इंश्योर द इंटरनेट कनेक्टिविटी। ओके, इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय ने एयरटेल के साथ एक सदस्यता स्थापित की है। ठीक है, ओके, हमें समझ में आ गया। टू सिस्को ए एस ए 5500X सीरीज फायरवॉल परचेज टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क। ओके, हमें ये भी समझ में आ गया। तो नेटवर्क की सुरक्षा के लिए दो सिस्को के ए एस ए 5500X सीरीज के फायरवॉल खरीदे गए हैं और ईच कैंपस में अपना फायरवॉल अलग से होगा। ठीक है, और लेकिन जो मेन कैंपस बट द मेन कैंपस विल कंटेन द डीएमजेड और द सर्वर फॉर्म। ओके, फॉर्म ऑफ सर्वर। और नेक्स्ट है राउटर के बजाय फायरवॉल और स्विच दोनों का उपयोग किया जाएगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम राउटर के बजाय फायरवॉल को और फायरवॉल में लेके राउटिंग प्रोटोकॉल चलाएंगे, है ना, कर सकते हैं हम। और जिनको नहीं आता है आज वो इस प्रोजेक्ट में हम उनको सिखा देंगे। और उसके बाद क्या है, दी नेटवर्क इंक्लूड्स 248 पोर्ट कैटलिस्ट 3850 स्विचेज। ओके, ये देखिए 48 पोर्ट, मतलब एक स्विच में 48 RJ 45, मतलब वो जो पोर्ट होते हैं ना जिसमें अपन लैन केबल डालते हैं वो पोर्ट, उनको 48 पोर्ट होने चाहिए वो। और वो होगा सिस्को का कैटलिस्ट स्विच, उसकी सीरीज होगी 3850। ओके, फॉर ईच कैंपस एंड 48 पोर्ट कैटलिस्ट 2960 स्विचेस पर एज पर स्कूल टू एंश्योर स्ट्रॉन्ग लोकल नेटवर्क कनेक्टिविटी। ओके, हमें कोई हमें कोई भी स्विच हो, हमें तो सब मैनेजेबल हैं सबको। भले आप 3850 सीरीज का स्विच दो, भले आप हमें 2960 का सीरीज दो, सब में कमांड तो जैसे चलने वैसे ही चलने, कोई अलग से तो चलने हैं नहीं। कोई भी दो, एक पावरफुल है हल्का, जैसे कि अब इनमें एक कैटलिस्ट 3850 स्विच सिस्को का सिस्को कैटलिस्ट 3850 हो, सिस्को कैटलिस्ट 2960 स्विच में डिफरेंस क्या है, सीरीज अलग अलग है मगर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एक आपने बाइक ली स्प्लेंडर और एक बाइक ली आपने कौन सी क्या कहते हैं स्प्लेंडर 100cc की है और एक आपने ले ली KTM। KTM तो बहुत ऊपर चली गई, यहाँ KTM मान लो KTM है और 100cc का इंजन है और एक 150cc का इंजन है, और वो 150cc में थोड़ा सा पावर रहेगा ना, बाकी उसका मैकेनिज्म तो इंजन का मैकेनिज्म तो सेम है दोनों का ही सेम है ना। आज मेरे पास ये कहने क्या मारुति कार है और किसी और के पास कोई हुंडई की क्रेटा कार है। अब मेरा इंजन यानी कि 800cc का है, उसका इंजन 1400cc का है। अब वो इंजन का जो मैकेनिज्म काम करने का जो तरीका है वो तो सेम ही रहेगा, अब उसके अंदर अलग से कुछ पिस्टन, मेरे 4 पिस्टन है उसका 8 पिस्टन है, तो सेम वो थोड़ी पावरफुल होगी, मेरी थोड़ी कम पावरफुल है, मगर जो चलने का जो तरीका है ना वो तो सेम ही होगा। उसमें भी एक्सीलेटर चल होगा, मेरे में भी एक्सीलेटर होगा, उसमें भी ब्रेक होगा, मेरे में भी ब्रेक होगा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट क्या है, सर्वर हार्डवेयर एंड वर्चुअलाइजेशन। ओके, विभिन्न सेवाओं के लिए कई वर्चुअल मशीनों को प्राप्त करने के लिए हाइपरवाइजर के माध्यम से वर्चुअलाइजेशन के लिए दो भौतिक सर्वर, मतलब फिजिकल सर्वर का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, हमें दो
दो सर्वर यूज फिजिकल सर्वर लगा देंगे, इसके अतिरिक्त या विफलता के लिए ओके ये देखिए अतिरिक्त और रिडंडेंसी और फेलओवर वी विल हैव टू डीएचसीपी सर्वर रनिंग एट द सेम टाइम ओके, हमारे पास एक ही समय में चलने वाले दो डीएचसीपी सर्वर होंगे, दो डीएचसीपी सर्वर भी लगा देंगे ओके, बजट पास कर दो आप सब लगा देंगे। वायरलेस का क्या है, वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर ओके, वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर एक सिस्को वायरलेस लैन नियंत्रक WLC और होस्ट बिंदु, इसको हम इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, एक सिस्को वायरलेस लैन कंट्रोलर एंड एक्सेस पॉइंट ओके, इसका मतलब है हमें यानी क्या वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगाना है। लाइट वेट एक्सेस सिस्टम लैब विल सेंट्रलाइज द मैनेजमेंट ऑफ द वायरलेस नेटवर्क, द WLC will be located in the main campus and will manage all APIs access points on the network. Okay, एक हमें कंट्रोलर लगाना है, वायरलेस कंट्रोलर लगाना है, ठीक है ना, वायरलेस लैन कंट्रोल लगाना है, वो वायरलेस लैन कंट्रोल क्या होगा मेन कैंपस में लगेगा और वो मेन कैंपस से सभी एक्सेस पॉइंट को वायरलेस वायरलेस के थ्रू सभी एक्सेस पॉइंट जो सबको हमें कि आप कैंपस है वाईफाई कैंपस बनाना है, वाईफाई कैंपस बनाने के लिए हमें एक्सेस पॉइंट लगाने होंगे। अब एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए हमें एक वायरलेस लैन कंट्रोलर चाहिए, अब वो कई कंपनियों के आते हैं, हमें सिस्को का हमें बताया है कि आप सिस्को को लगाओ तो हम सिस्को का लगाएंगे, ठीक है। अब टू साइट IPsec VPN ओके नो प्रॉब्लम, कॉन्फिगर IPsec VPN ऑन बोथ फायरवॉल ओके, फायरवॉल पर IPsec VPN को कॉन्फिगर करना है एंड बोथ फायरवॉल टू अलाउ कम्युनिकेशन सिक्योर बिटवीन द मेन कैंपस एंड द ब्रांच ओके, मुख्य परिसर और शाखा परिसर के बीच संचार को सुरक्षित रखने के लिए दोनों फायरवॉल पर IPsec VPN कॉन्फिगर करना है, कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या आता है, सुरक्षा कारणों के लिए लैन वीलैन उपयुक्त आप पढ़ लेना, हम रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे कि रिक्वायरमेंट आई है मैनेजमेंट नेटवर्क की आईपी नेटवर्क ऐसी चीज है, अगर आप नेटवर्किंग में जा रहे हो या नहीं मुझे तो नेटवर्किंग में जाना है तो बिना आईपी के आप नेटवर्क नहीं बना सकते, बिना आईपी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैनेजमेंट नेटवर्क फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट के लिए हमें आईपी मिली है, आईपी एड्रेस की रेंज दी है 172.16.10.0/24 हैज बीन असाइंड ओके, ये हमें मैनेजमेंट के लिए दी है, ठीक है ना। कैंपस का जो मैनेजमेंट होगा ना उनकी आईपी का सेगमेंट हमको ये मिल गया। अब ठीक है, WLAN के लिए हमें WLAN दी, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क विल ऑपरेट विद इन दी आईपी एड्रेस रेंज ऑफ, हमें उसके लिए WLAN के लिए ये आईपी असाइन हुई है कि हम इस आईपी से कॉन्फिगर करेंगे। लैन फॉर दी लोकल एरियल नेटवर्क दी आईपी एड्रेस रेंज इज 192.168 ठीक हैज बीन एलोकेटेड, हमें क्लास सी की आईपी असाइन हुई है, एक क्लास बी है ओके, एक क्लास बी है और एक क्लास सी है और एक क्लास ए है, ठीक है। और DMZ जोन के लिए विल बी असाइंड आईपी एड्रेस इन दी रेंज ओके, क्लास ए की आईपी दी है जिसका स्लैश 27 है, मतलब इसको 2020 में दिए, उसको 10 में दिए, हमने इसको 20 में दिए, पब्लिक एड्रेस दिए, एक पब्लिक आईपी दी है हमें क्लास बी की 105 पब्लिक आईपी 105 दी है हमें 5 सीरीज की फॉर द मेन कैंपस एंड फॉर द ब्रांच कैंपस, मेन कैंपस के लिए 105 सीरीज की दी है और ब्रांच कैंपस के लिए 205 सीरीज की है। देखिए अब दोनों को आपस में कैसे दोनों ने क्या कनेक्ट करना है, और दो आईपीओ को आपस में कनेक्ट करने के लिए, दो अलग अलग रेंज के आईपीओ को आपस में कनेक्ट करने के लिए नेटिंग का यूज होता है। वैसे नेटिंग का यूज होता है कि पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी से कनेक्ट करने के लिए नेटिंग यूज होती है, इसमें भी नेटिंग यूज में आ जाएगी। अब हमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, अब सबसे पहले अब हमारे पास ऐसे तो कोई कैंपस तो है नहीं कि चलो लगा देते हैं एक, ये तो हम अपने सीखने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो ठीक है
हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। पहला टेक्निकल रिक्वायरमेंट में आता है, पहला पॉइंट है डिज़ाइन टूल, कौन सा अपन टूल यूज़ करेंगे, हम अपन सॉरी यूज हमें कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, हमें यूज़ करना है सिस्को पैकेट प्रेसर, ठीक है, और जिसमें हायरार्किकल वाला लेटेंसी नेटवर्क रिलाइज लेके आए, चलो कोई नहीं, इसमें ISP स्टेबलाइज कनेक्टिविटी टू एयरटेल ISP राउटर विद इन द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, और WLC वही आ गया। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विभाग का कर्मचारी कॉर्पोरेट उपयोगकर्ता बाहरी लेखा परीक्षकों और मेहमानों को वाईफाई तक पहुंच करने के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए एक वायरलेस पहुंचे, ऐसे सभी को एक वायरलेस लाइन नियंत्रक द्वारा केंद्रित रूप से प्रबंधित किया जाता है, ठीक है। ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, वाईफाई लगाना है और ठीक है लगा देंगे। VLAN की VLAN विद द फ्लोइंग IDs 10 फॉर VLAN मैनेजमेंट, ओके, देखिए मैनेजमेंट के लिए VLAN 10 यूज करनी है, 20 का VLAN 20 फॉर LAN के लिए करनी है और 50 फॉर WLAN के लिए करनी है, एंड फाइनली 199 फॉर ब्लैक होल इन विच ऑल अनयूज्ड पोर्ट्स आर प्लेस, ठीक है, जो भी पोर्ट्स है क्या बच जाएंगे उसके लिए 199 में डाल के छोड़ देना है, ओके। EtherChannel implement link aggregation control protocol LACP, ठीक है, हमें ये एक नया प्रोटोकॉल है LACP लिंक, ये इम्प्लीमेंट करना है EtherChannel के अंदर, ये जब मैं उस समय इम्प्लीमेंट करूँगा तब उसके बारे में थोड़ी बहुत छोटी जानकारी दे दूँगा, ठीक है, बाकी आप इसकी थोड़ी सी अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, खूब मटेरियल पड़ा है, पढ़ लेना, ओके। आगे STP PortFast एंड BPD अपग्रेड कॉन्फ़िगर स्पैनिंग प्रोटो STP प्रोटोकॉल आ गया, PortFast एंड BPD अपग्रेड STP टू स्पीड अप पोर्ट ट्रांजिशन एंड ब्लॉकिंग स्टेट टू प्रोवाइडिंग स्टेट, ओके, ये भी कर लेंगे, ये जैसे जैसे करूँगा मैं आपको वैसे वैसे बता दूंगा। सबनेटिंग करनी है, ये सबनेटिंग आ गई है, यूटिलाइज द सबनेटिंग टेक्निक टू एलोकेट द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ IP एड्रेस टू ईच नेटवर्क ग्रुप, ठीक है। बेसिक सेटिंग, अब जैसे अब राउटर या स्विच में अपन को बेसिक सेटिंग, हमें जो बेसिक सेटिंग करनी होती है जो भी है कॉन्फिगर फंडामेंटल डिवाइस सेटिंग इंक्लूडिंग जिसको हमें होस्ट नेम देना है, कंसोल पासवर्ड देना है, अनेबल पासवर्ड, बैनर मैसेज पासवर्ड इंक्रिप्शन डिसेबल, IP डोमेन लुकअप, ये सब करने हैं जो हम पिछले वीडियो में जो करते ही थे, ये बेसिक जो सेटिंग्स होती है वो करनी है। अब इंटर-VLAN राउटिंग अनेबल डिवाइसेस इन ऑल डिपार्टमेंट टू कम्युनिकेट, ठीक है, सभी विभागों में डिवाइस को सक्षम करने हैं, इंटर-VLAN राउटिंग कम्युनिकेट विद वन अनदर टू कॉन्फिगर द रेस्पेक्टिव मल्टी लेयर स्विच फॉर इंटर-VLAN, ठीक है, इंटर-VLAN वो करना है, इंटर-VLAN राउटिंग करनी है जो मल्टी लेयर स्विच फॉर इंटर राउटिंग से करनी है, ठीक है, DHCP सर्वर ऑटोमेटिकली IP असाइन करवा देंगे, हमें तो एक रेंज डालनी है वो ऑटोमेटिकली उसको करने के सब होने के तरफ 11 नंबर हो गया। HSRP इंप्लीमेंट हाई अवेलेबिलिटी राउटर प्रोटोकॉल सच एज HSRP 2 RQ रेडंडेंसी लोड बैलेंसिंग एंड फेल ओवर कैपेबिलिटी, ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी वाला मैंने बताया ही था वो करना है, फोर्स यूज असाइन IP, ठीक है, हो जाएगा, स्टैटिक IP, स्टैटिक हमें डायनेमिक IP असाइन नहीं करती, स्टैटिक IP भी हमें देनी पड़ेगी, वो दे देंगे अपनी मैनुअली। अब राउटिंग प्रोटोकॉल, हमें कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना है, OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी मैं उस समय दे दूंगा जब इसको कॉन्फिगर करेंगे, जब ये राउटिंग प्रोटोकॉल जब राउटर में प्रोटोकॉल को यूज करेंगे उस समय इसको मैं बता दूंगा। और SCL फॉर SSH स्टैंडर्ड SCL, ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसका यूज करेंगे लाइन VTI में, VTY लाइन में हम, और नेक्स्ट आएगा हमारा सिस्को ASA फायरवॉल, इसको हम सिस्को फायरवॉल यूज करेंगे, उसमें बेसिक सेटिंग लगाएंगे, बेसिक स्टैटिक राउट जो भी इसकी जो बेसिक सेटिंग होगी वो उसमें उसमें कॉन्फिगर करेंगे, पता चल जाएगा, एंड में लास्ट में फाइनल टेस्टिंग आ गई है, सबको आपस में कनेक्ट करके आपस में सक्सेसफुली पैकेट
अटेंड हो रहा है नहीं हो रहा है वो भी हम देख लेंगे। ये तो हमारा हो गया एक ड्राफ्ट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी के अकॉर्डिंग, बाद हमें ये पूरे प्रोजेक्ट में साथ में लेकर चलना है इसको। अब हमें इसी के अकॉर्डिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर में बनाना है, नेटवर्क डिजाइन करनी है। तो बोलो इसको पैकेट ट्रेसर ओपन किया जाए, खुल जा सकती है। ओके तो मैं ओपन करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा सिस्को पैकेट से ओपन हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, नेटवर्क डिजाइन करना है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। गैस सिस्टम में हमने अभी जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये बनाना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग तो बनाना है ना, ये जो हमने बनाया था सबको, जिसमें हमें क्या क्या चाहिए, तो हम सबसे पहले फायरवॉल ले लेते हैं। तो ये फायरवॉल ले लेते हैं, ये सिस्को का ए एस ए फायरवॉल वन है, और 55.06x। ओके ये फायरवॉल। अब हमें क्या लेना है, मल्टी लेयर स्विच ले लेते हैं, मल्टी लेयर स्विच यहाँ से होगा ना। अब उसमें तो 39 दे रखा है हमारे पास, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जो अवेलेबल होगा वो हम 36.50 ये ले लेते हैं, ठीक है। 35.60 ले लेते हैं, हमने ये दो ले लिए। अब इसके नीचे हम ब्रांचेस के लिए 29.60 ले ही लेते हैं, 29.60 है। ये हमने 29.60 ये सब, जैसे ये मल्टी लेयर स्विच हो गया, ये 29.60 स्विच है, ये भी मैनेजेबल स्विच है, और ये L3 स्विच है, L2 स्विच है। तो जो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया वही होता है। अब इनको आपस में कनेक्ट करना, तो ये जो ये एकदम जो बता रहा है ना, ये आला जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये ऑटोमेटिकली ही सबको कि आपस में कनेक्ट कर लेता है कि कौन से पोर्ट पर डालनी है केबल, तो ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है। बाकी तो केबल, तो आपको केबल के बारे में जानकारी होगी होगी, बॉक्स कैसे केबल यूज़ लेते हैं, जैसे इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट हो गया, इसको यहाँ से कनेक्ट किया, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट हो गया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट हो गया, इसको इसमें कनेक्ट हो गया, आगे भी हमें कनेक्ट करना। ये हमें ये इसको भी 5 L2 से कनेक्ट करना है, ये देखिए बड़ा इजीली काम हो रहा है। दोनों मल्टी लेयर स्विच 5 L2 से कनेक्ट है, से कनेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है आगे, ये अदर चैनल इंप्लीमेंट लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अदर चैनल कॉन्फ़िगरेशन हम
हमें दोनों मल्टी लेयर स्विच को भी आपस में कनेक्ट करना होगा, जिससे हमें वो हाई अवेलेबिलिटी मिलेगी, ये हाई अवेलेबिलिटी राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, HSRP। इसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया, मैंने वापस इसको यहाँ से कनेक्ट किया, और फिर एक बार और कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि इससे क्या होगा, अब मैंने इन दोनों को तीन बार केबल से कनेक्ट किया, कभी ये पोर्ट कभी डाउन हो गया है तो ऑटोमेटिकली ये पोर्ट चलता रहेगा, ये पोर्ट कभी डाउन हो जाएगा ये पोर्ट चलता रहेगा। ओके, समझ में आ गई ना बात, ये हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर बना है अभी। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अभी हम कैसे स्टडी पढ़ेंगे, ओके, ये इतना बेसिक सा जो हमने नेटवर्क बनाया है, क्या करना है, वायरलेस WLCB लगानी है। हम एक पहले WLCB लगा देते हैं, WLCB के लिए हमें लगाना होगा, यहाँ पर हमें WLCB नहीं लगाना चाहिए, WLCB ये रहा, ये यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, WLCB ये नहीं लगाते हैं, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, डिलीट, हम ये लगा लेते हैं 25-4 वाला WLCB, ठीक है, ये WLCB यहाँ पर लग गया हमारा, और इसको कनेक्ट करते हैं एक PC से, एक PC ले लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, कनेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया, अब हमें ये कंट्रोलर लगा दिया, WHC वायरलेस कंट्रोलर लगा दिया सिस्को का, जो एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करेगा, एक सेंट्रलाइज हमने वायरलेस कंट्रोलर लगाया है फिजिकली, ठीक है, लैन कंट्रोलर, अब ये एक्सेस पॉइंट को सबको कंट्रोल करेगा। अब इसको एक्सेस पॉइंट के लिए हमें PC ले लेते हैं, PC, एक सेकंड PC, एक प्रिंटर की जरूरत तो होती है ना हर बार, हाँ डिपार्टमेंट में एक प्रिंटर की जरूरत होती है, हो गया, अब इसमें एक एक्सेस पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर गया एक्सेस पॉइंट, ठीक है, ये लाइट वेट एक्सेस पॉइंट ले लिया हमने, अब क्या करना, लैपटॉप वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए एक ले लेते हैं, स्मार्टफोन, ठीक है, और एक टैबलेट ले लेते हैं, ये हमारा एक बेसिक सा हो गया। अब हमें ये सारा काम कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी भी कर सकता है, यहाँ पर कर दिया, एक और हम यहाँ से यहाँ लेके आ जाते हैं, फास्ट हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे कि इनको अथरनेट केबल से इन पीसी और प्रिंटर को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, अथरनेट केबल जो कैटसिस के जो मार्केट में कैटसिस केबल है वो अथरनेट बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है, तो
उनको एथरनेट पहले पहले हम काम करते हैं एथरनेट केबल से, उनको तो ये ऑटोमेटिक ही लेना है ना। मैं ये करूँगा तो ये जैसे कि ये मैंने ये कर दिया, ये 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 जैसे मैं करूँगा ऑटोमेटिकली अप जाएंगे सारे इनको। बाकी ये जो रेड रेड जो दिखाई दे रहे हैं जैसे मैं ऊपर से जहाँ पर जा रहा है, इन्हें हमें अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। इनके पोर्ट को अप करना पड़ेगा, मगर ये पीसी के पोर्ट ऑटोमेटिकली अप भी होते हैं और एल टू के भी पोर्ट अप होते हैं। इनको मैनेज भी करना होता है हमें, जो हम बाद में मैनेज करेंगे। जैसे कि ये सब ग्रीन होते हैं ऑटोमेटिकली अप होते हैं, तो मैं ये जितने भी हैं इनको फटाफट कनेक्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा पॉज करके फटाफट इनको कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने ये फटाफट सबको आपस में कनेक्ट कर दिया है। कोई बेसिक जो केबल होती है वो हमने लगाई है। अब हमें ये एक्सेस पॉइंट कनेक्ट करना है। इस एक्सेस पॉइंट को ये हमने सबको इन सबको हमने है ना फास्ट अथरनेट केबल से कनेक्ट किया, फास्ट अथरनेट पोर्ट में दिया है। ओके, फास्ट अथरनेट। अब एक्सेस पॉइंट को हम जब मैंने क्या L26 से कनेक्ट करेंगे तो उसमें हम फास्ट अथरनेट यूज में नहीं लेंगे, उसमें हम गीगा पोर्ट यूज में लेंगे। मैं बता देता हूँ, उसमें गीगा पोर्ट यूज में लेने के लिए अगर हम जैसे कि ऑटोमेटिकली लेंगे तो वो फास्ट ऑटोमेटिकली वो फास्ट अथरनेट से ही कनेक्ट करेगा। तो हमें ऑटोमेटिकली केबल नहीं लेनी है हमें, ये अब हमें स्ट्रेट केबल लेनी है, स्ट्रेट कॉपर केबल। ये जैसे कॉपर स्ट्रेट केबल लेनी है, ये केबल ली मैंने, तो इसका जो पोर्ट आएगा तो हमें जैसे कि ये मैं फास्ट अथरनेट 22 पोर्ट ले लेता हूँ, तो गीगा पोर्ट से मैंने कनेक्ट किया, ठीक है ना। अब देखिए एक्सेस पॉइंट का गीगा पोर्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, गीगा बिट अथरनेट पोर्ट यूज कर रहे हैं और L2 2960 का जो स्विच है, 2960 जो सिस्को का 2960 स्विच है, उसका फास्ट अथरनेट मैंने कोई भी पोर्ट ले लिया, चलो मैंने 22 पोर्ट नंबर 22 लिया, फास्ट अथरनेट पोर्ट नंबर 22 लिया है स्विच का, और इसमें गीगा वो एक ही पोर्ट होता है कनेक्ट करने के लिए, गीगा बिट अथरनेट 0, तो मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया। ओके, तो ये का ये जो कनेक्ट की है स्ट्रेट केबल हमने, ये सभी में सभी एक्सेस पॉइंट में यही करना है हमें। वापस मैं आपको बता देता हूँ, अब मैंने ये गीगा बिट इंटरनेट ले लिया, इसमें मैं गया, अब इसमें मुझे पूछ रहा है ये देखिए, मैंने जो सब पहले 22 लिया था इसमें हम 22 ही लेते हैं 22, ओके, तो जिससे कोई दिक्कत ना हो। और ये देखिए 22 पास अतरने 22 जीरो स्लेस उसमें गीगा बिट, भी एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि वहां पर तो हम फास्ट अथरनेट का पोर्ट यूज में ले रहे हैं स्विच से, तो और इसमें एक्सेस पॉइंट में हम गीगाबिट पोर्ट यूज में ले रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो हमारे पास जो एक्सेस पॉइंट है उसमें गीगाबिट की पोर्ट आ रहा है, फास्ट अथरनेट का पोर्ट ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें ये कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे हमने अभी कनेक्ट किया है वैसे कनेक्ट कर लिया है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, है? ऐसा नहीं है कि भाई अरे ये क्या हो गया, फास्ट अथरनेट इस तरफ फास्ट अथरनेट पोर्ट है और इस तरफ गीगाबिट है, कैसे कनेक्ट होगा, कुछ नहीं होता है, आपस में कनेक्ट होते जैसे अभी हमने किया है ना वैसे कनेक्ट करना है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और यही फर्क है। ओके, तो आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या है कि हम आगे बढ़ने से पहले हमारा कहाँ तक काम एक्सेस पॉइंट चलो हुआ, इसको आपको ऑटोमेटिक अप होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम चलो आपको एक प्रॉब्लम होते हैं, ट्रबल शूट होगा, ट्रबल शूटिंग, इसको ट्रबल शूटिंग कहते हैं। तो ट्रबल शूटिंग इसको
हाँ हो गया ना। ठीक है, पहले ये ऐसा रेड आ रहा था, अब आपको मैं देखिए इसमें भी बता देता हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लाना होगा। हो गया, हाँ ये भी अप हो गया। अच्छा इसको एडप्टर अप करना है, इसको एडप्टर अप करने के लिए सब कुछ करना होता है। ये भी अप हो गया, पर्टिकुलर पॉइंट पर ही अप होता है। ये हमारा ये भी एक्सेस पॉइंट भी अप हो गया, ये अप हो गया, यहाँ पर अप हो गया, जो ऑरेंज लाइट है ये भी अप। अब हमें क्या करना है, ये तो मेन मुख्य परिसर मेन कैंपस है, मेन कैंपस में एक हमने फायरवॉल लगा दी। ठीक है, उसमें दो मल्टी लेयर स्विच लगा दिए, 3650 के वो लगा दिए। अब हम एक करते हैं ब्रांच कैंपस, ब्रांच कैंपस के लिए हमें राउटर तो चाहिए, ब्रांच कैंपस बनाते हैं। तो आई एसपी आ गया, ये राउटर ले लेते हैं, राउटर ये तो ठीक है। और अब हम चलो एक साइड में ब्रांच कैंपस भी बना देते हैं। ब्रांच कैंपस के लिए हमें चाहिए फायरवॉल, फायरवॉल हमने तो ये कि ये फायरवॉल हम ले लेते हैं, फिर इसमें हम वो 3650 मल्टी लेयर स्विच ले लेते हैं। ठीक है, सेम जो हम ये कर रहे हैं, जो हमने वो अभी वहां पर किया था, सेम वही हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, इसमें चार ही रहने देते हैं और इनको आपस में कनेक्ट भी कर देते हैं। इसको इससे कनेक्ट किया, इसको इससे कनेक्ट किया, ठीक है, और इसको ऐसे यहाँ से कनेक्शन बना देते हैं। यहाँ से भी आपस में एक कनेक्शन चला जाएगा और यहाँ से भी आपस में एक कनेक्शन यहाँ हो जाएगा और दोनों मल्टीलेयर स्विच को आपस में
तो ही हो रहा है। चलो ठीक है, ये यहाँ तक हमने कर दिया। अब सेम थिंग, ये जो हमने किया था ना, ये वाला सीन, ये यहाँ पर भी करना है, ठीक है। सेम, ये सेम करना है हमें, इसमें कोई आगे पीछे कुछ नहीं हो सकता। ये ठीक है, ये सब आपस में, यहाँ से हम इनको भी हमें कनेक्शन करना होगा। तो ये सेम जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, अभी मैं फटाफट करके आपको बताता हूँ। ये यहाँ तक तो हमने कर दिया है, ब्रांच है, कैंपस बनाया है, थोड़ा इसको ढंग से मैनेज कर लेते हैं ना, सही रहेगा। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ ना, ये पीसी यहाँ कर देता हूँ, प्रिंटर यहाँ कर देता हूँ, लैपटॉप यहाँ कर देता हूँ। तो मैं ये करके आपको बताता हूँ, ओके। तो ठीक है, मैंने ऐसे कुछ इस तरह से मैंने कुछ सेट किया है। ये हमारा यहाँ तक का आज का काम हुआ है, ओके। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट हम इसको सीरीज बना देते हैं, इसलिए पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री कर देंगे। तो इसको हम, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब इसका सेकंड पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक हम तो इसमें पहले पार्ट में हमने एक मेन कैंपस बनाया, मेन कैंपस में सारे डिवाइसेज लगाए हैं अभी, और उनको आपस में कनेक्ट किया है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, सिर्फ आपस में केबल से आपस में कनेक्ट किया है, ठीक है। और दूसरे एक ब्रांच कैंपस भी बनाया है, उनको भी आपस में कनेक्ट किया है, और ब्रांच कैंपस को मेन कैंपस को आपस में अभी कनेक्ट नहीं किया है। और आज के इस पार्ट वन में, इस वीडियो में इतना ही, अब हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी इसका जो आगे का जो भी काम होगा, हम दूसरे पार्ट में, सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ओके।